Demodulation of amplitude modulated signal double sideband full carrier. In this lecture we have to how we recover this double sideband full carrier through this circuit. This is a linear diode detector. We are using this diode and we have low pass filter at the output. So hum kya karenge, hum jo original signal tha ye to hamara transmission ke baad jo receiver side mein kya hoga, demodulation hoga. Jo receiver side mein demodulation hoga wo bhi kiska, double sideband full carrier ka. ठीक है, तो जब हम बनाएंगे, जब जो हमारा जो ट्रांसमिशन के दौरान क्या सिग्नल था, कौन सा सिग्नल था, कुछ कुछ ऐसा था. ऐसा था और कैरियर सिग्नल इसको क्या कर रहा था, कैरियर सिग्नल के ऊपर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सुपर इम्पोज करके तो दिस इज अ VAA डैश व्हाट वी हैव गिविंग हियर VAA डैश जो इसके बीच में हमने ये जो है ये क्या चीज है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है यहाँ पे हमने ये डबल साइड में फुल कैरियर दिया तो इट विल इंक्रीज द वोल्टेज आफ्टर दिस स्टेप अप ट्रांसफार्मर और ये फीड करेगा यहाँ AA डैश में तो VAA डैश में आउटपुट जो VAA डैश में वोल्टेज जो होगा वो ये होगा जो कि ये क्या है ये वही ये डबल साइड में फुल कैरियर है जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. ठीक है, अब आपने क्या करना है जो आउटपुट में देखना है जो वीबीबी डैश में कैसा आएगा. वीबी डैश में हमारा जो वीबी डैश जो है यहाँ पे आफ्टर डायड ऑपरेशन तो हमारा क्या होगा सिर्फ पॉजिटिव वाला आएगा. क्यों, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है ये पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है. तो जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा ये डायोड ऑन रहेगा. पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा डायोड क्या होता है डायोड जो होता है ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव. जब आप इसको इसी टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ लगाते हैं और नेगेटिव के साथ इसके साथ लगाते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस कहलाता है. डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस और फॉरवर्ड बायस में डायोड जो है ऑन होता है और शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करता है. मतलब इट ऑफर नो रेजिस्टेंस. ठीक है, ये ऑन. लेकिन ऑफ कोर्स इन आइडियल केस ये तो हमने प्रैक्टिकल आइडियल केस माना है. ऑफ कोर्स इन प्रैक्टिकल केस देयर हैज टू बी अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, उसको आरएफ बोलते हैं हम. तो वी आर नॉट कंसर्निंग विद दिस आरएफ नाउ बट वी आर डीलिंग विद आइडियल थिंग. तो आइडियली क्या होना चाहिए, डायोड जो होता है वो शॉर्ट सर्किट होना चाहिए जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है. और रिवर्स बायस कब होता है, रिवर्स बायस्ड होता है जब ये पॉजिटिव नेगेटिव है. तो ये जो पॉजिटिव है ये टर्मिनल जब नेगेटिव और बैटरी के साथ और ये नेगेटिव या पॉजिटिव बैटरी के साथ अगर है तो इसको बोलेंगे डायोड जो हो गया ये रिवर्स बायस्ड हो गया. तो डायोड अगर रिवर्स बायस्ड है देन इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट. इट विल ऑफर अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कब ऑफर होता है, जब ओपन सर्किट होता है. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने. तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब जब यहाँ पे पॉजिटिव आपने दिया, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में क्या होगा ये डायोड क्या होगा ऑन रहेगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. तो जो भी वोल्टेज यहाँ पे है वो वोल्टेज आउट वीवी डैश में आएगा. लेकिन जब आप नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव में क्या होगा ये पॉजिटिव ये रिवर्स बायस होगा ओपन सर्किट हो जाएगा. ओपन सर्किट मतलब करंट जीरो फ्लो हो रहा है, मतलब लोड में अगर करंट जीरो फ्लो हो रहा है तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा जीरो होगा. ठीक है, तो वीवी डैश क्या है, वीवी डैश कुछ ऐसा कुछ होगा जो कि सिर्फ पॉजिटिव साइड में ही होगा, नेगेटिव साइड में इसका कुछ. ओके, बिकॉज ऑफ दिस डायोड. ठीक है, जो और हमें क्या करना है, हमारा मेन एम ये जो डीमॉड्यूलेटर का है. डीमॉड्यूलेटर क्या है, तो मैंने लिखा भी एनवेलप डिटेक्शन है. एनवेलप डिटेक्शन मतलब क्या है, जो कैरियर सिग्नल जिस एनवेलप में है, मैंने आपको एक पत्थर और कागज का वो बताया था. तो कागज में आपका क्या है, मैसेज सिग्नल है. स्टोन तो सिर्फ क्या है, कैरियर है. स्टोन क्या है, जो पत्थर है, जो कागज में लपेट के जो पत्थर फेंका है आपने, तो जो अंदर पत्थर है उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो तो एक कैरियर सिग्नल है उसको लेने के लिए. जब हम इसको, हमने क्या करना है, इस पेपर को पढ़ना है. तो इस ये पेपर को पढ़ने के लिए क्या, हमने एनवेलप, ये एनवेलप है तो यही एनवेलप में आपकी इंफॉर्मेशन है. टू गेट दैट सिग्नल तो एक एनवेलप डिटेक्शन होना चाहिए इसकी. ठीक है, तो ये जो है इसके थ्रू हम एनवेलप डिटेक्शन कर सकते हैं. ओके, तो इन दिस केस ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल जो मैंने आपको बताया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, इनपुट कैरियर वोल्टेज जो है, इनपुट जो है फॉरवर्ड वाइज क्या करेगा, डायोड डी को
जो डाय डी को फॉरवर्ड बायस कर देगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये डायड है डी, ठीक है। तो डायड विल बी फॉरवर्ड बायस एंड इट कंडक्ट्स एंड द, अगर कंडक्ट होगा उसके बाद क्या होगा, जो कैपेसिटर है, दिस कैपेसिटर विल बी चार्ज विद टाइम कांस्टेंट आरसी, ठीक है। आरसी कौन सा टाइम कांस्टेंट, इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो डायोड जो होगा, जब ये जो यही वाला जो डायग्राम है वो कैसा हो जाएगा, डायोड आरएफ और कैपेसिटर सी, तो जब ये ऑन हो जाएगा, ये डायोड ऑन हो गया तो ये क्या करेगा, ये कैपेसिटर जो लगा, ये कैपेसिटर चार्ज करेगा। तो डायोड जब ऑन हो जाएगा, डायोड ऑन, देन कैपेसिटर सी विल चार्जेस विद टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट पता है किसे बोलते हैं, आर इंटू सी। तो टाइम कांस्टेंट जो होगा उसका क्या होगा, टी वन इक्वल्स टू आर एफ इंटू सी, ठीक है। ये आपको टाइम कांस्टेंट है, ये दिस चार्जिंग टाइम इज वेरी स्मॉल, ये चार्जिंग टाइम कांस्टेंट वेरी स्मॉल क्यों होगा, क्योंकि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डायोड का क्या होता है आइडियली, तो प्रैक्टिकली भी स्मॉल होता है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या है, उसकी स्मॉल होगा, ठीक है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या है, जो रेजिस्टेंस आपको पता है कि करंट को फ्लो करने में उसको बैरियर प्रोवाइड करेगा। तो ऑफकोर्स डायोड जो है फॉरवर्ड, जब फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो करंट फ्लो करेगा, तो ऑफकोर्स दिस आर एफ विल बी समथिंग लेस। सो दिस अकॉर्डिंग टू दिस टाइम कॉन्स्टेंट, ये इस हिसाब से चार्ज होगा जितना इसके टाइम कॉन्स्टेंट। आर एफ तो स्लो है, आर एफ तो स्मॉल है, तो आर एफ स्मॉल है तो ये टाइम कॉन्स्टेंट जो टी वन है डेट विल ऑल्सो बी स्मॉल। ये तो हो गया फर्स्ट केस। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के इनपुट जो है कैरियर वोल्टेज क्या करेगा, इनपुट कैरियर वोल्टेज जो डायोड को है, डायोड को क्या करेगा, रिवर्स बायस करेगा, और डायोड इज एक्ट एज एन ओपन सर्किट, ठीक है। तो जब ओपन सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, डायोड क्या हो गया, ये डायोड ओपन सर्किट हो गया क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड है नेगेटिव में। तो जब ओपन सर्किट हो गया तो कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर विल डिस्चार्ज। पहले क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था, अभी ओपन सर्किट हो गया तो कहां से डिस्चार्ज होगा, ये जो पाथ दिखाया है, ये जो पाथ देख रहे हो, ये पाथ से क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है। क्योंकि ये ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट होता है करंट तो यहाँ फ्लो करेगा नहीं, ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है। तो कैपेसिटर को कौन सा पाथ मिलेगा, फिर इसके थ्रू वो डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या करेगा, जो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो डायोड एक्ट एज एन ओपन सर्किट, ठीक है, एंड कैपेसिटर डिस्चार्जेस और उसका टाइम थ्रू रजिस्टर आर, ठीक है। और इसका जो टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट क्या होगा, सपोज टी टू है तो दिस विल बी आर इंटू सी, दिस इज चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, ठीक है। और ये क्या होगा, ये डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है। डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट में आपने क्या है कि कितना जल्दी ये डिस्चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो ये इधर तक आपको समझ में आ गया, ये क्या कैसे फंक्शन कर रहा है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है। चार्ज कैसे होगा, विद रिस्पेक्ट टू दिस इट्स टाइम कांस्टेंट आर एफ इंटू सी। सेकेंड हाफ साइकिल में नेगेटिव है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड हो जाएगा तो कैपेसिटर फॉलो दिस पाथ टू डिस्चार्ज इट्स जो भी चार्ज इस पे स्टोर हुआ है, तो डेट विल डिस्चार्ज थ्रू दिस रजिस्टर, तो डेट टाइम कॉन्स्टेंट विल बी आर इंटू सी, ठीक है। तो दो टाइम कॉन्स्टेंट आ गया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि आर सी टाइम कॉन्स्टेंट जो है, जो भी टाइम कॉन्स्टेंट आर सी है, वो इस तरीके से एडजस्ट होना चाहिए, इस तरीके से एडजस्ट होना चाहिए कि वो कैपेसिटर वोल्टेज जो है डेट मस्ट फॉलो दिस कॉम्पोजिट, दिस एनवेलप ऑफ दिस कॉम्पोजिट सिग्नल। क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज और चार्ज जो हो रहा है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो कैसे होगा, चार्ज और डिस्चार्ज कैसे होगा, टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो टाइम कांस्टेंट को हम इस तरीके से सेट करेंगे कि ये जो हमारा जो चार्ज और डिस्चार्ज होगा ये इस एनवलप को फॉलो करे, ये जो है ये मैंने दिखाया है, तो इस एनवलप को फॉलो करेगा तो ऑफकोर्स जो आउटपुट वोल्टेज आएगा डेट विल बी रेप्लिका ऑफ वट एवर इन द इनपुट मैसेज सिग्नल। तो इट मस्ट बी एडजस्टेड सच डेट The capacitor voltage must follow
द एनवलप ऑफ द कॉम्पोजिट सिग्नल। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया कॉम्पोजिट सिग्नल का कौन सा है, जो जो आपके कैरियर और मॉड्यूलेट जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है दैट वी कंसीडर एज कॉम्पोजिट सिग्नल। एंड आफ्टर गेटिंग दिस एनवलप ऑफ दिस कॉम्पोजिट सिग्नल वी आर गेटिंग ओरिजिनली जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विल बी रिकवर्ड, रिकवर्ड हो जाएगा ये बाय प्रॉपर एडजस्टिंग दिस आरसी टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो सो लेट अस कंसीडर हाउ विल बी द चॉइस ऑफ आरसी टाइम कांस्टेंट। तो आरसी टाइम कांस्टेंट का चॉइस कैसे होना चाहिए इन दिस, कि हमारा कैसे एडजस्टमेंट होना चाहिए टाइम कांस्टेंट में ताकि वो एग्जैक्ट रेप्लिका करे उसका एनवलप का। तो केस वन, अगर आरसी हाई, आरसी अगर टाइम कांस्टेंट हाई है, सपोज करो टाइम कांस्टेंट जो हाई है, तो इस केस में क्या होगा, सपोज करो ये एनवलप है, ये आपका एनवलप हो गया, तो ये जो है ये सपोज करो सैंपल्ड है। ठीक है, तो आरसी टाइम कांस्टेंट हाई का क्या मतलब है, आरसी टाइम कांस्टेंट का हाई होने का मतलब ये होता है कि ज्यादा टाइम लगाएगा चार्ज और डिस्चार्ज होने पे। ठीक है, ये क्या करेगा, ये ज्यादा टाइम लगाएगा चार्ज और डिस्चार्ज होने में। तो ज्यादा टाइम लगाने का मतलब क्या है कि ये जो नेगेटिव टाइम, जो नेगेटिव ये जो है, ये जो नेगेटिव पार्ट है सिग्नल का, जो नेगेटिव पार्ट है ये इसको क्लिप कर देगा। अगर ये ज्यादा टाइम कांस्टेंट, आरसी टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, अगर रैपिडली अगर इस तरीके से एडजस्ट होता कि ये चार्ज किया, ये डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज किया, फिर ये चार्ज किया, फिर ये डिस्चार्ज किया, इस तरीके से अगर होता तो ये एनवलप को फॉलो करता। लेकिन हाई आरसी टाइम कांस्टेंट से क्या होगा, जो रिकवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जो हमारा आएगा रिकवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, वो इस तरीके से आएगा। ये जो ये देख रहे हो आप ब्लू कलर, ये दिस विल बी रिकवर्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इस पे क्या होगा, सबसे पहला तो ये नेगेटिव, ये जो नेगेटिव नेगेटिव पीक क्लिपिंग है इसकी, ये देखो ये इसको कंसिडर नहीं किया, इसको कंसिडर नहीं किया, इसको कंसिडर नहीं किया, इसने सिर्फ कंसिडर किसको किया, जो हाईएस्ट है, जो हाईएस्ट है। फिर वो क्या करेगा, वो उससे डाउन होते होते, डिस्चार्ज होते होते, वो इतना टाइम लगाएगा कि वो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, वो दूसरे वाले दूसरे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा जो भी सैंपल है। तो इसमें क्या है, तो नेगेटिव पीक क्लिपिंग होती है इसमें, ये नेगेटिव पीक क्लिपिंग ऑफ सिग्नल। ठीक है, इसमें नेगेटिव पीक क्लिपिंग हो गई, तो ये इसका डिसएडवांटेज, मतलब ये डिसएडवांटेज नहीं, ये अनडिजायरेबल है, क्योंकि आपका जो ये सैंपल है, ये सैंपल है, ये सैंपल तो लॉस्ट हो गया, तो आप रिकवर कर ही नहीं पाओगे जो ओरिजिनल सिग्नल है। तो दिस इज अनडिजायरेबल। तो आरसी हाई टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है, कैपेसिटर डिस्चार्ज करने में बहुत स्लो है, कैपेसिटर टाइम लगाएगा चार्ज होने में भी, डिस्चार्ज होने में, मतलब कैपेसिटर बहुत स्लो है। तो जो कैपेसिटर डिस्चार्जेस वोल्टेज डज नॉट फॉलो दिस एनवलप ऑफ कॉम्पोजिट सिग्नल। ठीक है, एंड नेगेटिव पीक क्लिपिंग होती है जो जो बताया मैंने। तो दिस देयरफॉर द हाई आरसी टाइम कांस्टेंट इज हाईली अनडिजायरेबल। तो आप सोच रहे होंगे कि लो आरसी हम टाइम कांस्टेंट हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं, अगर लो किया तो लो का मतलब क्या है कि वो वेरी फास्ट चार्ज और डिस्चार्ज करेगा, तो उस वो भी नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए, I will tell you this thing. जो जो ज्यादा बहुत ज्यादा फास्ट है, अगर बहुत ज्यादा फास्ट है, तो ये सपोज करो क्या है, ये VV dash है, this is also VV dash, this is T with respect to time. Okay, if it is a low RC, बहुत ही जल्दी ये जो कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज कर रहा है, तो कैपेसिटर इधर है, अगर बहुत लो है तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, चार्ज हो जाएगा, फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर ये चार्ज हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर चार्ज हो जाएगा, ठीक है, फिर डिस्चार्ज। तो ये जो हो रहा है ये एक्चुअली इसका सेम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है ये चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या है, ये तो सडनली चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है, ये एनवलप को फॉलो ही नहीं कर रहा है, ये जो एनवलप है इसको तो फॉलो ही नहीं कर रहा। ये आपका आएगा आउटपुट रिकवर्ड वोल्टेज, जो जो कैपेसिटर की जैसे वोल्टेज मूव हो रही है, वैसे दैट विल बी आउटपुट वोल्टेज कैपेसिटर के चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है।
तो वही है जो रिकवर वोल्टेज क्या आएगा, जो कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है। तो यहाँ तो कैपेसिटर आप देख ही रहे हो, तो कैपेसिटर सडन चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है, तो दिस विल नॉट फॉलो द एनवलप। तो ये क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये इसमें तो डायगोनल क्लिपिंग हो गई है। डायगोनल क्लिपिंग मतलब ये उड़ा दिया, ये बीच का है ही नहीं, ये पोर्शन है ही नहीं इसका। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है डायगोनल क्लिपिंग हो रहा है इधर पे, दिस विल ऑकर डायगोनल क्लिपिंग इज हैपनिंग ओवर हियर, तो इट इज ऑल्सो अनडिजायरेबल, दिस इज ऑल्सो अनडिजायरेबल। यहाँ तो नेगेटिव पीक क्लिपिंग हो रहा था, इससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये। यहाँ तो बीच के है ही नहीं, बीच का इन्फॉर्मेशन ही उड़ गया है ये। तो जो आउट ये जो है इट विल ऑकर बिकॉज ऑफ दिस लो आरसी टाइम कॉन्स्टेंट, कि चार्ज और डिस्चार्ज वेरी फास्ट, द कैपेसिटर चार्जेस एंड डिस्चार्जेस वेरी फास्ट, ड्यू टू दैट कैपेसिटर डिस्चार्ज डज नॉट फॉलो द एनवलप ऑफ दिस कॉम्पोजिट सिग्नल, एंड ऑल्सो द डायगोनल क्लिपिंग ऑफ दिस सिग्नल ऑकर्स, एंड देयरफॉर ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विल नॉट बी रिकवर्ड और विल नॉट बी अवेलेबल एट दिस आउटपुट। ठीक है, सो दिस लो आरसी टाइम विल बी highly undesirable. So let us consider the third case. What will be the third case? Third case will be medium RC time constant. Okay, तो medium अगर RC time constant है तो इस तरीके से adjust करना है हमने, हमने adjust किस तरीके से करना है, adjust इस तरीके से करना है कि जो capacitor के across जो voltage है that will follow this envelope of this composite signal. Okay, so अगर ऐसा कुछ है तो अगर हमने एक medium time constant लिया तो वो कुछ ऐसा follow करेगा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो ये क्या कर रहा है, जो medium RC time constant लिया है तो इससे क्या होगा, capacitor जो charge और discharge होगा वो according to this most probably approximately जो इसका discharge discharge that path will follow, that voltage path will follow this envelope of this composite signal. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा, फिर ये charge होगा, फिर ये discharge होगा, तो इस तरीके से क्या है, ये आपका recovered modulating signal आ गया। ठीक है, तो RC time constant is adjusted so that capacitor discharge voltage, it is so adjusted so that the capacitor discharge follows the envelope of the composite signal. ठीक है, तो इस तरीके से हमने select करना है, and therefore the original अगर फॉलो कर रहा है तो ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैन बी रिकवर्ड। ओके, तो आरसी टाइम कांस्टेंट डिपेंड जो होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। आरसी टाइम कांस्टेंट विल डिपेंड ऑन डिपेंड अपॉन टू थिंग। फर्स्ट तो ये है कि जो इसका हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो होगा सिग्नल का, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। और सेकेंड चीज होगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे। तो जो आरसी टाइम कांस्टेंट जो है उसको टू अवॉइड दिस डायगोनल क्लिपिंग, और जो क्लिपिंग हम देख रहे थे हाई और लो पास, हाई और जो लो टाइम कांस्टेंट जो कंसीडर किया था उस पे, टू अवॉइड दिस क्लिपिंग आरसी 1/RC शुड बी ग्रेटर देन WM, दिस इज द मैक्सिमम, दिस हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट टू मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - MA2। ओके, और अगर ये जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो स्मॉल है तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर दें, 1 - MA2 अगर स्मॉल है, ये MA अगर स्मॉल है तो MA2 क्या होगा, उससे भी स्मॉल होगा। कैसे, 0.1 है, इसको होल स्क्वायर किया था 0.01, ठीक है, तो इससे भी स्मॉल हो गए ये। ठीक है, तो इसको पूरे ऊपर नेग्लेक्ट करके हमने क्या किया, 1/RC मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू WM into MA, दिस इज
अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, सेकेंड वन इज अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, फर्स्ट वन इज एग्जैक्ट रिजल्ट. दिस इज एग्जैक्ट रिजल्ट. सो टू अवॉइड क्लिपिंग दिस कंडीशन ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड. अदर देन डैट देयर मस्ट बी, अगर ऐसा नहीं है तो क्लिपिंग होगी. यू विल नॉट गेट द दिस ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डी मॉड्यूलेटर ऑफ दिस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डीएसबी. एनवलप डिटेक्शन क्यों बोला, क्योंकि ये एनवलप को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है. तो वो किसके हेल्प से, जो आर सी जो टाइम कॉन्स्टेंट है उसके हेल्प से डिफरेंट हमने देखा कि हाई, अगर लो टाइम कॉन्स्टेंट है, अगर कम टाइम कॉन्स्टेंट है देन इट विल फास्ट चार्ज एंड डिस्चार्ज विल बी देयर. सो डायगोनल क्लिपिंग इज देयर. इफ इट इज ए हायर टाइम कॉन्स्टेंट देन इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम टू चार्ज एंड डिस्चार्ज अ कैपेसिटर. सो नेगेटिव पीक क्लिपिंग ऑफ सिग्नल इज देयर. सो वी हैव टू टेक सम intermediate time constant, medium RC time constant, so that this capacitor charging and discharging voltage must replicate the this modulating signal voltage. So these two condition are there for exact replication, and this is exact result. Okay, and this is approximate result. So